हेलो फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर एक अपनी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज वैसे भी गणेश चतुर्थी है, तो काफ़ी लोग इस चतुर्थी में फास्ट भी रहते हैं और मेरा भी फास्ट है, तो मैं यहाँ पर उसकी कुछ अपनी एक अपनी ट्विस्ट के साथ एक रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये फास्ट के लिए, व्रत के लिए जो ये फलाहारी रेसिपी है, और आज के दिन जो भी लोग पूजा करते हैं और काफ़ी अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पर इस तरह से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने करीब 5 आलू लिए हुए हैं इसमें, और इनको बॉईल करके इस तरह से इनको मैश कर लिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर रामदाना लिया है, 1 कटोरी रामदाना। और मैं आपको पहले भी रामदाने से काफ़ी कई रेसिपी बता चुकी हूँ, तो मैंने बताया भी था कि मैं यहाँ पर रामदाने से रिलेटेड कम से कम मुझे 15 से 20 रेसिपी मैं बना बना चुकी हूँ अपने घर में। तो वही रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी और आप भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम्स के करीब मैंने पनीर लिए हैं, जिनको मैंने लंबे साइज में फ्रेंच में कट किया हुआ है। और मैंने ये घर पर ही पनीर बनाया हुआ था। साथ ही साथ मैंने इसमें ग्रीन चिली ली है 2, और हरा धनिया, और इसमें मसाले में जाएगा ब्लैक पेपर और जिंजर पाउडर। और ये है मेरे पास सिंगाड़े का आटा। ये करीब मैंने 1 स्पून के करीब मैंने ये आटा लिया हुआ है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 कटोरी ये रामदाना है, जिनको इसमें मिक्स करूंगी। रामदाना हल्का होता है, और आप जानते ही हैं कि रामदाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इसमें काफी क्वांटिटी में, रिच क्वांटिटी में कैल्शियम होता है। साथ ही साथ जाएगा इसमें ये आटा 1 स्पून के करीब सिंघाड़े का आटा। साथ ही साथ इसमें 2 ग्रीन चिली और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, ब्लैक पेपर और जिंजर पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून रॉक साल्ट है ये, सेंधा नमक, क्योंकि फास्ट है तो व्रत में तो सेंधा ही नमक खा सकते हैं। और ये मैं घी, देसी घी में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी फ्लेम को ऑन कर देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर मिक्स कर लूंगी और एक डो की तरह मैं इसे बना लूंगी। तो मैं इसे अब मिक्स करती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा डो बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कोटिंग के लिए रामदाना लेना है,
और इसकी स्टफ के लिए पनीर, तो मैं इस तरह से एक लोई लूंगी और इस तरह से इसको फैलाऊंगी और इसमें पनीर को, और इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और एक शेप दे देंगे। तो मैंने इसे ओवल शेप दिया है और आप इसे गोल भी बना सकते हैं। तो पनीर को आप क्यूब्स में कट कर लें और इस तरह से मैं इसको कोट करूंगी और एक प्लेट में इस तरह से मैं चला दूंगी इसको, ताकि जो हमारे रामदाने हैं वो सभी में अच्छे से कोट कोट हो जाए। और कढ़ाई में डालते वक्त ये ऑयल में जब डाले तो ज़्यादा खिले नहीं, बाहर नहीं निकले। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये देखिए आप कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है ये। तो ऐसे ही मैं और बना लेती हूँ। इस तरह से मुझे फोल्ड करना है इसको। और खाने में तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। फास्ट में समझ नहीं आता है कि हम क्या चीज खाएं, और कभी कभी किसी का फास्ट होता है फैमिली में भी, तो वो भी लोग फरमाइश करते हैं कि व्रत में कुछ अच्छा बनाया जाए। और ऐसा नहीं है कि व्रत खाने के लिए ही है, लेकिन ट्राई करने में तो अच्छी बात है ना, कि आप कोई नई इनोवेटिव रेसिपीज लेकर आए। तो अब मैं इसे, मेरा यहाँ पर घी गर्म हो चुका है, तो मैं इसे एक एक करके कढ़ाई में छोड़ती जाऊंगी। तो इसको स्लो फ्लेम पर ही हमें बनाना है। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए और फिर बाद में हम फ्लेम को मीडियम हाई फ्लेम कर दें। तो आप देख सकती हैं कितनी अच्छी बनकर आए हैं। तो लगभग इसको बनने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो बस अब 1 मिनट और है इसकी इसको बनने में। तो ये काफ़ी अच्छा लुक भी आएगा और अंदर से भी ये काफ़ी क्रंची स्टफिंग जो पनीर की होती है, तो काफ़ी टेस्टी और यमी लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ये रोल बनकर तैयार हो चुकी है, और मैं अभी एक प्लेट में बाहर निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे रामदाना पनीर रोल बनके तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। तो ऐसे ही मैं यूनिक रेसिपी में आपसे मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितने अच्छे बनकर रेडी हुए हैं।
आप देख सकते हैं अंदर से भी काफ़ी अच्छे और फूलकर बने हुए हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। तो मेरी रेसिपीज़ को देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू। तो अब मैं अगली नई रेसिपी में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।